हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की मिठाई। तो शादी के टाइम पे हमारे घर में बहुत सारे नारियल बन रहे थे। आज मैंने सोचा कि आज इनके साथ कुछ किया जाए और आज बनाते हैं हम इनकी मिठाई। कौन कौन देखने के लिए तैयार है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे पीसेस में नारियल को कट कर लेती हूँ। तो नारियल तो मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। पहले मैं सिर्फ दो ही नारियल लेके आई थी, पर अभी मैंने एक और ले लिया था क्योंकि ये मिक्सी में अच्छे से पिस गए थे। अभी मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। इसको अब मैं आराम से आधा लीटर ना हो जाए जब तक ये, तब तक इसको पकाऊंगी। अभी तो ये खैर उबला भी नहीं है। दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं छिलने लग गई थी आम, क्योंकि मैं इससे बता रही थी आम के पन्ने वाली वीडियो, और वो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी, मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड करी थी। जिसने नहीं देखी है वो लोग देख लेना, मैं उस वीडियो के लिंक को यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अभी दूध मेरा आधे से भी कम हो चुका है, यहाँ पे उसका खोया बन ही गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल। नारियल को थोड़ी देर पकने दिया, उसके बाद मैंने इसमें चीनी भी डाली और 5 मिनट के लिए और पकाया और अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने आटे से बनाया, दिखाती हूँ आपको। ये मैं जो नारियल का बना रही हूँ मिठाई, ये वो है, और यहाँ पे बन रहा है मेरा आम का पन्ना। इसकी रेसिपी आप लोग देखोगे, ये मम्मी की बन गई है सब्जी। नारियल की मिठाई तो वैसे व्हाइट कलर की होती क्योंकि लोग उससे छिलका छिल लेते हैं, मैंने वो छिला नहीं, खाली वेस्ट होता है ये सोचते, और मेरा काम भी बढ़ रहा है इसलिए मैंने उसको छिला नहीं, तो इसलिए उसका कलर थोड़ा ऐसा आ रहा है। अभी इसको मिठाई का शेप देते हैं उसके बाद। तो गाइस ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इनको, पहले तो मैंने सोचा था कि मिठाई की शेप दे दूंगी, ऐसे कट कर दूंगी स्क्वायर शेप में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे लड्डू बना लेती हूँ। और सबसे पहले स्टार्टिंग के लड्डू मेरे ये दो हैं, ये छोटे छोटे थे, इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे दोगुना काम करना पड़ता है, इसलिए मैं अब बड़े बड़े बनाने लग गई हूँ। और अब नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूँगी, इनके बाहर के पहले छिलकों को निकाल लूँगी, नहीं तो वाइट कलर के दिखते तो बहुत अच्छे लगते, अभी थोड़े से इसमें छिलका आ गए तो अच्छा दिख नहीं रहा इसलिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि मैं एक आम के पन्ने की वीडियो भी बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उसमें तो हालत ख़राब हुई मेरी, आज तो किचन में खड़े खड़े रह गए। तो अब इतने सारे बनाने हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मेरी मिठाइयाँ बनके हो गई हैं तैयार। ये तो गोल है और ये इनका शेप देखो गाइस कैसा हो गया है, इनको सही कर दिया। अभी पन्ना मेरा तैयार हो गया है, अब इसको मैं रखूँगी तो कल किसी चीज़ में। इसे मैंने एक बोतल में रख लिया था और उस टाइम पे मैंने 2 ग्लास में पन्ना बना लिया था क्योंकि मुझे टेस्ट भी करना था और साथ में वीडियो भी बनानी थी, पन्ने वाली वीडियो बन रही थी उसके लिए। तो बस यही मेरा काम हुआ, वीडियो थोड़ी छोटी सी बनी हुई है। आज के लिए आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।